नमस्कार, मैं देवांजलि मोइत्रा। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी से सभी लोग अमेरिका की आलोचना कर रहे हैं। रूस, ईरान, चीन और पाकिस्तान अपनी गठजोड़ से अफगानिस्तान में मलाई खाने को तैयार, तो इसी बीच फिर सुपर पावर की बात शुरू हो गई और इसको हवा दी है खुद चीन ने। चीन ने कहा है कि अमेरिका अब सुपर बॉस नहीं रहा, लेकिन एक ऐलान ने रूस और चीन की हेकड़ी निकाल कर रख दी। जी हाँ, नासा ने सुपरसोनिक विमान X-59 QUESST तेजी से आकार ले रहा। इस विमान को कॉनकॉर्ड का बेटा सन ऑफ कॉनकॉर्ड नाम दिया गया। ध्वनि की गति से भी तेज उड़ने वाले इस विमान का पहला परीक्षण अगले साल होगा। इस विमान को एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन और नासा साथ मिलकर बना रहे। कहा जा रहा है कि इस विमान की स्पीड लगभग 1488 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। दुनिया को चौंकाते हुए अमेरिका ने इसका एक वीडियो जारी किया, जिसमें भविष्य की अमेरिकी ताकत को देखा जा सकता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने X-59 QUESST विमान के निर्माण को लेकर एक टाइम लैप्स वीडियो शेयर किया। विमान को बनाने में लगे कई साल की मेहनत को मात्र 57 सेकंड में देखा जा सकता। इस विमान को बनाने का काम कैलिफोर्निया के पामडेल में लॉकहीड मार्टिन स्कंक वर्क्स में हो रहा। विमान का पूरा ढांचा बनकर तैयार, अब इसमें बस अंदरूनी निर्माण किया जा रहा। जानकारों की माने तो 1.4 मैक की गति से उड़ने वाला ये विमान जब सुपरसोनिक स्पीड पकड़ेगा तो इससे पैदा हुई सोनिक बूम की आवाज लोगों को नहीं सुनाई देगी। अक्सर ये देखा जाता है कि जब कोई लड़ाकू विमान अचानक सुपरसोनिक स्पीड में पहुंचता है तो उससे सोनिक बूम पैदा होती। अधिकतर घटनाओं में सोनिक बूम की जोरदार आवाज को सुनकर लोग डर जाते हैं। नासा और मार्टिन की माने तो इस विमान में लगने वाले जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन GEF-414 को ऊपरी हिस्से में फिट किया गया। इस इंजन की जबरदस्त गर्मी से विमान को बचाने के लिए ऊपरी हिस्से में हीट रेजिस्टेंट शीट का इस्तेमाल किया गया। इंजन को ऊपर फिट करने से विमान के अंदर मौजूद लोगों को एक अच्छा वातावरण मिलेगा। इस वीडियो में विमान के फ्रेम और बाकी हिस्सों को बनते हुए दिखाया गया। नासा के चीफ इंजीनियर जे ब्रैंडन की माने तो अब हम प्रोडक्शन फ्लोर के अलग अलग हिस्सों पर बैठे और एक समूह से एक हवाई जहाज में परिवर्तित हो गए। टीम ने विमान के विंग, टेल असेंबली और फ्यूजलेस के लेजर प्रोजेक्ट बनाकर इसे असेंबल कर दिया। लॉकहीड मार्टिन इसकी तुलना लेगो से की। जानकारी देते चलें कि X-59 विमान को बनाने का ऐलान 2018 में हुआ था। इसे नासा और लॉकहीड मार्टिन एक साथ मिलकर बना रहे थे। तब दोनों ने ही कहा था कि ये कदम सुपरसोनिक यात्रा को जमीन पर उतारेगा। ये कदम सच्चाई को करीब लाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अमेरिकी एरोस्पेस और रक्षा कंपनी ने नासा के साथ X-59 के निर्माण के लिए $247.5 मिलियन की डील की। तो अब आप समझ गए होंगे कि अमेरिका ऐसे ही दुनिया का दादा नहीं, दादा बनने के लिए उसके पास सभी गुण मौजूद हैं, तभी वो दुनिया का बादशाह बना हुआ और ये विमान उसकी निशानी। इस विमान का वीडियो दिखाकर अमेरिका ने रूस और चीन को औकात में रहने का संदेश दिया। देखना होगा कि आगे रूस इसका जवाब कैसे देता है।